नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाला हूं जो एक सामाजिक और सैद्धांतिक पुरुष की मिसाल है। मैं प्रकाश सर, प्रकाश एकेडमी से डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ प्रकाश ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट सैदपुर से, मैं आज उनके बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आज के समय में भी समाज को और गरीब वर्ग के लोगों को, असहाय लोगों को इतना महत्व देते हैं, जिसे देखकर आपको भी लगेगा कि हमारे सैदपुर में एक ऐसा समाज सेवक भी है। आज मैं उस समाज सेवक की बात करने जा रहा हूं जो नाम और चेहरा दोनों पहचाना होगा। मैं इस व्यक्ति को, मैंने इन्हें सामाजिक योद्धा का नाम दिया है। मेरी नज़रों में एक सामाजिक योद्धा हैं और इसलिए मैं इन्हें अभिषेक शाह सैदपुर को मैं सामाजिक योद्धा के नाम से बुलाता हूँ। मैंने इनके कार्यों को देखा है, इनके प्रयासों को देखा है जो कि निरंतर सेवा का भाव रखते हैं। बहुत आसान नहीं होता है अपने समय को निकाल करके असहाय लोगों की सहायता करना। इस शख्स जिसका जन्म अभी सिर्फ और सिर्फ 16 नवंबर 1994 को हुआ है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है। उम्र से अगर ये देखे जाए तो बच्चे हैं, मगर कर्म से देखे जाए तो बड़ों के भी बड़े हैं। बहुत मेहनती, हमेशा दूसरों के लिए खड़े होने वाले। मैं कुछ पिक्चर दिखाऊंगा इनकी। ऐसे काम इन्होंने किए हैं कि मुझे नहीं लगता कि सैदपुर में इनके जैसा समाज सेवक कोई होगा। चलिए इनकी विवेचना करते हैं। सबसे पहले तो इनका नाम है अभिषेक शाह, सामाजिक योद्धा। मैंने इन्हें टाइटल दिया, मुझे लगता है कि ये सामाजिक योद्धा हैं और एक महान सामाजिक योद्धा हैं। ये मेरी व्यक्तिगत भावना है, इसलिए मैंने इनके सामने सामाजिक योद्धा लिखा हुआ है। जन्म इनका 16 नवंबर 1994 में हुआ था, अभिषेक शाह। देख सकते हैं पिक्चर। ये ऐसे कामों में लगे रहते हैं जो लोग मानसिक रूप से अस्वस्थ हों, उनके सहायक के रूप में ये हमेशा तत्पर रहते हैं। उनकी सहायता करना, गरीबों को हर पल सहायता पहुंचाने में लगे रहते हैं अभिषेक शाह, सामाजिक योद्धा। अगली पिक्चर इनकी हमारे पास है, देखिए आप इन पिक्चर्स को देखिए। ये अपने हाथों से खाना भी खिलाते हैं, जितना इनसे बन पड़ता है उसका 10 गुना अधिक करते हैं। जितना हो सकता है, जितना करना चाहिए उससे कई गुना अधिक काम करते हैं ये समाज की सेवा के लिए। ऐसे पुत्र को जन्म देने वाली माता को भी प्रणाम और पिता को प्रणाम। ऐसे समाज सेवक को जन्म देने वाली धरती जो सैदपुर की है वो भी धन्य है, आप जैसे बेटे को पा करके अभिषेक शाह। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो आपके किस्से, जब ठंडियों के दिनों में हम और आप बिस्तरों में होते हैं, कपकपाती ठंडी में बाहर निकलने का मन नहीं होता है, ये व्यक्ति रात को 10-11 बजे तक स्टेशनों पर घूम घूम करके, बाजारों में घूम घूम करके उन लोगों को कंबल वितरण करने का काम करता है जिसे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो ठंड के मारे कांप रहे होते हैं खुद की परवाह किए बिना। समाज के लिए ये व्यक्ति बिल्कुल न्यौछावर है, अभिषेक शाह, सामाजिक योद्धा। ये हमारे यहाँ रेलवे क्रॉसिंग है, एक रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक गुजरा हुआ है और एक्सीडेंट के तौर पर कभी ना कभी वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। वहाँ पे सबसे पहले पहुँचने वाला व्यक्ति अभिषेक शाह क्या करते हैं, ये वहाँ पर जाकर के बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी घृणा के, ये उनके शव के टुकड़ों को उठाकर उसका अंतिम संस्कार करवाने का प्रयास करते हैं। ऐसे हैं सामाजिक योद्धा हमारे अभिषेक शाह। नेक्स्ट अगली पिक्चर मैं दिखा पाता हूं इनकी, जहां पर अपने पैरों में चोट लगने पर लोगों को दर्द होता है, इन्हें किसी और के पैरों में भी चोट लगे तो दर्द होता है अभिषेक शाह को। ये दूसरे के पैरों की चोट को ठीक करने के लिए वहां तक पहुंचते हैं और उस पर फर्स्ट ट्रीटमेंट देते हैं। हालांकि कोई डॉक्टर नहीं है मगर ये सामाजिक योद्धा है। कौन? अभिषेक शाह। ये हैं अभिषेक शाह। हालांकि
इनका व्यवहार बहुत अच्छा है, लोगों के प्रति इनकी धारणा बड़ी अच्छी है, बहुत प्यारे भी लगते हैं ये। हालांकि हर जगह ये उपस्थित देखने को मिल जाएंगे आपको, ये देख सकते हैं आप इस पिक्चर में अभिषेक शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील यादव जी हैं, जो कि युवा शक्ति संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो इनके सामाजिक कार्य के सभी फैन हैं। मैं ओम प्रकाश सर, प्रकाश एकेडमी का डायरेक्टर, मुझे ये सबसे प्रभावी और सबसे उदार हृदय वाले व्यक्ति लगते हैं और मैं ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रणाम करता हूं। चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मैं इन्हें लाइव में एक बार बुला करके मुलाकात कराऊंगा आप लोगों को और इन्हीं से इनके बारे में पूछा जाएगा, मगर थोड़ा सा समय है उसके लिए, ठीक है। चलिए फिर अगली बार अगले वीडियो में किसी ऐसे ही व्यक्ति के साथ मिलेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।